Hello guys, once again you all are welcome on my YouTube channel. I hope people you are getting benefits from my YouTube channel as well as my YouTube videos. So guys, aaj ki video bahut khaas hone wali aap sabhi ke liye. Agar aap mere channel par first time visit kar rahe ho to kindly subscribe my channel and press on the bell icon. Hamara WhatsApp group jiska link maine comment section mein de rakha hai, please use bhi join kijiye, because jab bhi koi update aati hai high commission se hum aapke sath share karte hain. तो बेसिकली इस वीडियो में किन चीज़ों पर मैं बात करूंगा. सबसे पहले तो कनाडा इमिग्रेशन ने जो फैमिली क्लास है उसकी प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए जो ऑफिस खोला है उस चीज़ के बारे में बात करूंगा. दूसरी चीज़ किस चीज़ के बारे में बात करूंगा, क्यूबिक 3 नए प्रोग्राम लेकर आने वाला है उस चीज़ पर बात करूँगा. उसके बाद एयर कैनेडा जो रिफंड देने वाला है उस चीज़ पर बात करूँगा. तो बने रहिए वीडियो के साथ. अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखिए. कई बार रिप्लाई करने में हमें टाइम लग जाता है बिकॉज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मैसेज ऑल ओवर द ग्लोब एंड आई रियली थैंकफुल टू यू कि आप इतना प्यार करते हो, इतने मैसेज करते हो, इतने कॉल्स करते हो. थैंक यू वेरी मच गाइज. वीडियो के 3 टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि कनाडा ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ये जो मंथ है मार्च मंथ स्पेशली अवेयरनेस का मंथ है. तो मैं भी अपनी कुछ वीडियोस में आपके साथ कुछ अवेयरनेस की बातें ज़रूर किया करूँगा. बेसिकली उन्होंने बताया था कि वर्क परमिट के नेम पर और जॉब ऑफर के नेम पर इंडिया में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है एप्लीकेंट्स के साथ. तो जब भी आपने कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना है, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में बोला जाता है तो प्लीज़ आप कनाडा में उस कंपनी के बारे में पता कीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपकी वैल्यूएबल मनी, आपका वैल्यूएबल टाइम है जो वेस्ट हो गए. बिकॉज बाद में जब टाइम वेस्ट होता है, पैसा खराब हो जाता है, तो पर्सन टोटली स्पॉयल हो जाता है और उसको लगता है कि इस कंपनी कंट्री का जेन्युइन काम नहीं हो रहा है. इस चीज़ के बारे में आपको समझना होगा. जब भी अप्लाई करना है आप प्लीज़ ध्यान से अप्लाई कीजिए. तो लेट्स बैक टू द पॉइंट. सबसे पहले बात करेंगे जो न्यू अपडेट्स है इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से. आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि फाइल्स की प्रोसेसिंग है वो बहुत कम हुई थी और बहुत सारे लोगों ने इन कनाडा में प्रोटेस्ट भी किए थे बिकॉज उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके नियर एंड डियर्स कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर कनाडा में नहीं आ रहे थे और उनकी फाइल्स की प्रोसेसिंग थी जो बिल्कुल कम थी. आप सभी को पता है कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्कस मेंडिचिनो ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की फाइलें हैं जो उनकी प्रोसेसिंग है फास्ट करेंगे. और ये चीज़ देखने को भी मिली नवंबर मंथ में, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अप्रूव हुई. आपने देखा होगा आपके नियर एंड डियर्स में. दिसंबर में ये पेस कंटिन्यूज हुआ, जनवरी में भी बहुत सारे लोगों की स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन अप्रूव हुई. ऐसे को देखते हुए कनाडा का जो इमिग्रेशन का नया प्लान है, आप सभी को पता है कि उन्होंने नियर अबाउट 1 मिलियन प्लस इमिग्रेंट कनाडा में इनवाइट करना है. उसको कंप्लीट करने के लिए कनाडा को हर मंथ नियर अबाउट 35,000 प्लस इमिग्रेंट कनाडा में बनाने पड़ेंगे. डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की फाइल को उठाना ही पड़ेगा. तो फैमिली क्लास का बहुत सारा प्रेशर था कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर पर, कनाडा की वहाँ की लोकल गवर्नमेंट पर. आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है. तो उसको देखते ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक सिडनी में कनाडा में न्यू ऑफिस है ओपन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो फैमिली क्लास है उनकी फाइलों पर वर्क होगा. बिकॉज आप सभी को पता है कि एक साल में पहले क्या होता था, चाहे वो आउटलैंड एप्लीकेशन होती थी चाहे वो इनलैंड एप्लीकेशन होती थी, बहुत सारी फाइल्स के रिवर्ट आ जाते थे. लेकिन इस सिनेरियो में देखने को एक अजीब चीज़ मिली है कि नियर अबाउट बहुत सारे लोगों को 8 मंथ 10 मंथ हो चुके हैं, उनका फाइल नंबर भी नहीं आया. प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी तो डिफरेंट थिंग है, ठीक है. बट ऐसे में अगर कनाडा इस चीज़ के बारे में सोच रहा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्पाउसल स्पॉन्सरशिप में अप्लाई किया हुआ है, फैमिली क्लास में अप्लाई किया हुआ है. डेफिनेटली आपकी फाइल्स के रिवर्ट भी आएंगे. बट यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होगी, ये मैं स्पाउस फैमिली क्लास जो पीआर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मॉर्निंग से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इसमें स्पाउस वीज़ा जो वर्क परमिट लगता है डिपेंडेंट उनकी भी बात हो रही है. अभी तक इस चीज़ पर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने पीआर वालों के लिए बोला है. तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी फाइल्स की प्रोसेसिंग है जो आने वाले दिनों में फास्ट हो जाएगी, बिकॉज इनलैंड और आउटलैंड बोथ एप्लीकेशंस पर वो वर्क करेंगे और डेफिनेटली आपके नियर एंड डियर्स के डिसीजन आ जाएंगे. दूसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछते हैं कि सर अगर हम वेब इंक्वायरी पाएँ हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा.
मेरे हिसाब से नियर अबाउट इस चैनल पर मैं 100 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ, और उसमें काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ये चीज़ बताई है कि आप इंक्वायरी कर सकते हो, वेब फॉर्म की सर्विस है जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी फाइल का रिवर्ट नियर अबाउट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेडिकल हुआ था लास्ट ईयर फरवरी में, उसके बाद कुछ नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं जिनका बायोमेट्रिक हुआ था उनका कुछ नहीं आया, तो यू कैन मेक अ इंक्वायरी बिकॉज इट्स योर राइट, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी जो अपडेट है क्यूबिक के बारे में, आप सभी को पता है कि जैसे क्यूबिक एक डिफरेंट प्रोविंस है और डिफरेंट तरह का उनका इमिग्रेशन सिस्टम है, तो आने वाले दिनों में वो 3 स्पेशल ऑक्यूपेशन में न्यू पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिकली फूड प्रोसेसिंग में, दूसरा हेल्थ में, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये 3 बड़े अपडेट क्यों हैं, बिकॉज क्यूबिक एक प्रोविंस ऐसी है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाली है, तो क्या उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली आपको एज है जो 18 ईयर से अब होनी चाहिए और काफ़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप डायरेक्ट इंडिया से वो चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, आपके पास क्यूबिक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दे दिया है, आप उस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूँ, अब जो क्यूबिक है, ठीक है, क्यूबिक के नेम पर ये एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है अनाउंस हुआ है, इस चीज़ को लेकर भी इंडिया में बहुत सारा मिसयूज़ होगा, बट ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज आप अवेयर हो सके, आप देख सके कि क्या ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। बेसिकली ये इंडियंस के लिए नहीं है, जो इंडियंस वहाँ पर है अगर उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उनकी, इस वीडियो में अगर मैं ये चीज़ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप उस चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हो। और जो फैमिली क्लास वाली न्यूज़ है कैसे वो वर्क करेगी, उस चीज़ के बारे में भी आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है एयर कनाडा की तरफ से, आप सभी को पता है कि COVID-19 के कारण बहुत सारे लोगों की जो जर्नीज हैं वो डिले हो गई थी, फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे, ऐसे में आपको पता है कि कनाडा की फ़्लाइट कोई ज़्यादा चीपेस्ट नहीं होती, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो बहुत सारे लोगों को एयर इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि आने वाले दिनों में अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी तो आपको डेफिनेटली रिफ़ंड मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने टूरिस्ट बेस पर अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने पेरेंट्स के पास जाना था, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से कनाडा जाना था, लेकिन उनका रिवर्ट नहीं आया, उनकी जो टिकट है वो वेस्ट हो गई थी, रिफंड नहीं आया था, आने वाले दिनों में इस चीज़ पर भी वो फोकस करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही आप सभी के लिए। फर्स्ट ही जो न्यू ऑफिस उन्होंने ओपन किया है उस चीज़ के बारे में, कैसे वो स्पाउस की जो प्रोसेसिंग है आने वाले दिनों में इंक्रीज करेंगे, तो फैमिली क्लास वालों के लिए तो एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। दूसरी चीज़ है क्यूबिक के जो 3 नए प्रोग्राम हैं उस चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। तीसरी थी एयर कनाडा का जो रिफंड आएगा उस चीज़ के बारे में। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कल हम संडे स्पेशल एक शो करेंगे, आप सभी को पता है कि जितनी भी वीक्स की अपडेट होती हैं और आने वाले वीक में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम संडे को शो करते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उस शो में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। बेसिकली मैं ट्राई करूँगा कल से कि जो बेसिकली ये शो होगा जो, उसमें रिफ्यूज स्टूडेंट की बात करूँगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, ऑस्ट्रेलिया से क्या अपडेट है, यूके से क्या अपडेट है, यूएसए से क्या अपडेट है, कनाडा की अपडेट तो डिस्कस करूँगा ही, बिकॉज पिछले दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आप ओनली कनाडा को प्रमोट करते हो, बट मैं वीज़ा शो के जरिए जो स्पेशल शो संडे को मैं करता हूँ उसमें अब कोशिश करूँगा कि सभी कंट्रीज़ की अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँ। एक स्पेशल चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक जो र्यूमर्स फैला रहे हैं कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं इंडिया से बंद हैं, देखिए जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया से बंद हैं, लेकिन जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, बबल वाली फ़्लाइट हैं, वो इंडिया से चालू हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बट जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उसने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, एग्जेम्पशंस लगाई हैं, उस चीज़ के बारे में आपको अपने माइंड में ज़रूर रखना होगा। तो गाइज एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको आयल्स में कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग डिजायरेबल स्कोर्स। अगर आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी 1-to-1 जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको ले सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, रीअप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप सेम कंसल्टेंट के साथ अप्लाई करना चाहते हो, SOP में कोई हेल्प चाहिए, SOP बनवाना चाहते हो, आइडियाज़ नहीं आ रहे, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, मुझसे बात करना चाहते हो, आप WhatsApp पर
पर अपॉइंटमेंट लेकर हमें मिल सकते हो। किसी भी तरह की न्यू एप्लीकेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में हम आपके लिए एक डेफिनेटली सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी डेट भी मैं जल्दी आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे पहली वीडियोज को प्यार करते हो, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइज़।